इस फिल्म के निर्माण के दौरान किसी भी जानवर या पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समावेशिता, इंक्लूसिविटी और पहुंच, एक्सेसिबिलिटी बढ़ावा देने के लिए फिल्म के निर्माताओं द्वारा ये फिल्म दृष्टिबाधित लोगों के लिए, ऑडियो विवरण और मूक बधिरों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा में बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई गई है। काई सिटी में आपका स्वागत है। वक्त की धाराओं में बहता है ये शहर, जिसे कभी रिटायर्ड लोगों का शहर कहा जाता था। अब ये शहर रातों को भी जागता है, सब कुछ देखता है और सुनता है। बातों से सीधा रिश्ता आवाज का होता है, और दिल से निकलती है एक आवाज, और आवाज से एक कहानी। तो आइए चलते हैं हमारी आवाज की दुनिया में। वेलकम बैक। मेरी जाना था गाने का नाम, जिसे लिखा और कंपोज किया है विस्फोटक नाम के आर्टिस्ट ने। और अगर सोचो तो प्यार और नशे में कोई खास फर्क है नहीं, अच्छे से अच्छे इंसान का सत्यानाश कर ही देता है। जैसे इतनी रातों को जाग जाग के मेरी नींदों का हुआ पड़ा है। तो चलो, जाने से पहले आपको फिर से रिमाइंडर दे दूं कि हमारे शहर में अभी भी रब दी आवाज की खोज चल रही है। अगर एक पूरे दिन के लिए आप शहर के सबसे पॉपुलर रेडियो स्टेशन जुनून FM के स्टार RJ बनना चाहते हो, पूरे शहर को अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो, तो मुझे ऑनलाइन मैसेज करके या फिर 01722710888 पे कॉल करके रजिस्टर करना मत भूलना। आपकी कॉल का है मुझे इंतजार, पर कॉन्टेस्ट खत्म होने में सिर्फ कल का दिन बाकी है मेरे यार, इसलिए फटाफट रजिस्टर करो, क्योंकि जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे उसी को हम बनाएंगे रब दी आवाज। और इसी नोट पे आज का शो इधर खत्म करते हैं, जिसे आपने सुना 88.8 जुनून FM पर। शो का नाम प्यार का वार। बस मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना मत भूलना मेरे यार। मैं हूँ ट्राई सिटी का नंबर 1 बैचलर करण, एंड दिस शो वाज ब्रॉट टू यू बाय मेगानाथ रियल एस्टेट डेवलपर्स। पाइए अपने सपनों का घर सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ की आसान सी डाउन पेमेंट पर। बाकी मिलते कल शाम को 9 बजे, तब तक एंजॉय करो थोड़ा इस उबलती गर्मी से सुकून, और दिल में जला के रखो जुनून। भाई कितना काम करेगा? भाई पूछ मत, हम IT वालों का तो वैसे ही काम ने भूत बना के रखा होता। कोई ना बाबे, तेरा भी टाइम आएगा, किसी दिन तेरे को भी तेरे सपनों की चुड़ैल मिल ही जाएगी। उसे बोलना टाइम नहीं है, सुबह आके मिले। सारे सिस्टम्स का बैकअप बनाना, कल सब काम पर लगे होंगे। अरे क्या काम, सारा दिन तो बैठ के ऑफिस में वीडियोस देख रहे होते हैं। अपने हर सिस्टम पर कौन क्या करता है, हर चीज का रिकॉर्ड रहता है हम IT वालों के पास। इसीलिए IT वालों से लिया पंगा तो हम कर देंगे
नंगा। भाई गलती से भी नहीं, वैसे भी कॉन्टेस्ट के लिए कॉल्स तो आ रहे नहीं, तो बॉस ने तो कल मीटिंग में नंगा करना ही है। चलो उसकी तो तुम आरजे को वैसे ही आदत है। चल मेरी कैब आ गई है, मैं निकलता हूँ। ठीक है। अब तू किस चीज के लिए परेशान है भाई? अभी बाद में कॉल करता हूँ, वो सवारी आ गई मेरी। सर अपना OTP बताना। मेरा हक सीधी तरह दे दे। अरे वरना क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? ये बदले की आग मेरे अंदर सड़ रही है। क्या के क्या दोस्त कपूर से? मैं क्या कर लेगा वरना? क्या कर लेगा? मैं भी देखता हूँ क्या कर लेगा तू कपूर का।
क्या? नौकरी मिले ना मिले, अगर नौकरी मिली तो इज्जत से करूंगा, किसी के आगे झुकूंगा नहीं, वरना आपको छुट्टी नहीं मिलता, नौकरी में ग्रोथ नहीं है, बोनस नहीं मिलता, तनख्वाह में ग्रोथ नहीं है, आप नौकर हैं इसलिए परेशान है। आपका बॉस आपकी नहीं सुनता, पूरे ऑफिस में आपकी कोई नहीं सुनता, सारे शहर में आपकी कोई नहीं सुनता, आपको टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती। तो क्या पूरे शहर में आपकी कोई नहीं सुनता है? बहुत परेशान है। अरे भाई साहब, खाना क्यों छोड़ रखा है? खाना तो खा लीजिए। तो आपको हमारी वेबसाइट की बहुत ट्राई सिटी। भाई मौसम बदल रहा है आजकल, कभी गर्मी, कभी बारिश और कभी बिन बारिश के बादल। जैसे मौसम ना हुआ इंसान का मूड हो गया टोटली अनप्रेडिक्टेबल। कुछ पता नहीं आगे क्या होगा, पर हम भी मस्त लोग हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते सेलिब्रेट करने का, खाने पीने का तो बस बहाना चाहिए। भाई बारिश है ना, अब चाय पकौड़े वगैरह तो बनते हैं ना, मेरा तो सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह मन को तरोताजा करने के लिए सुनते रहिए जुनून FM। रजिस्टर करिए किसी भी शो में, मॉर्निंग शो है वेक अप ट्राई सिटी आरजे खुशी के साथ। दोपहर को सुनिए स्पेशल शो किस्सा कुर्सी का, इवनिंग शो शाम की गेड़ी आरजे चक्की के साथ, और रात का शो प्यार का वार वही आरजे करण के साथ। इसको अभी भी नौकरी में रखा हुआ है क्या? अब सवाल ये है कि क्या आप सोशल मीडिया पे रहना पसंद करते हैं, या फिर आप सोशल हैं यानी कि लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं? तो चलिए जानते हैं इसका जवाब। आप सुनते रहिए 88.8 FM रेडियो जुनून रब दी आवाज। आपका नाम? हाय, मेरा नाम है शिवाय। वैसे तो मैंने मास्कॉम में मास्टर्स कर रखी है, पर मैंने सुपर हीरोज में PhD भी कर रखी है। ओह वाओ, सो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मेरा फेवरेट सुपर हीरो वही है जो मैंने खुद क्रिएट किया है। मैं इतना बड़ा सुपर हीरो नर्ड हूँ, इतना बड़ा सुपर हीरो नर्ड हूँ कि मैंने खुद का सुपर हीरो ही क्रिएट कर दिया। सो शिवाय द वंडर बॉय, अगर आप रब दी आवाज बन गए तो आप क्या कमाल करोगे? मैं रब दी आवाज बनकर सुपर हीरोज का सरताज बनना चाहूंगा, ताकि सुपरमैन मेरे लिए चाय बनाए और शक्तिमान मेरे पैर दबाए। वाओ शिवाय वाओ। सो आपने सुना कि कैसे शिवाय अपने आप को सुपर हीरोज का सरताज बनाना चाहता है। आइए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट से। हेलो, आपका शुभ नाम? लोग मुझे बीस चिंटू के नाम से जानते हैं। हेलो चिंटू जी, आपने कभी रब दी आवाज सुनी है? हाँ बिल्कुल सुनी है, और मैं तो सुबह शाम सुनता हूँ ये आवाज। कैसे?
तो जैसे मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ तो सुबह शाम मुझे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं कि सर कोच साहब आप मेरे लिए मेरे भगवान ही हो, मुझे बताओ कि मैं पतला कैसे होऊंगा, मैं वजन कैसे घटाऊंगा या मैं बॉडी कैसे बनाऊंगा। और शाम को अगर मैं जाता हूँ मार्केट तो मुझे वैसे देखने को मिलता है कि वो कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई चाट खा रहा है, कोई फ्राइड मोमोज खा रहा है। तो मेरे क्लाइंट्स हैं वो सुबह शाम मुझे मैसेज करते हैं अभी हमें पतला कर दो। तो आप किसी न किसी वैसे किसी न किसी के लिए रब जरूर हैं। तो आप अगर रब की आवाज़ बन गए एक दिन के लिए तो आप क्या करेंगे? मैं रब की आवाज़ बनते ही जितनी रेडियां ये मोमोज की, ये पकौड़े, ये चाट पापड़ियां, मैं सब उठवा दूंगा मैडम। मेरे से नहीं देखी जाती ये चीजें भी, लोग इतना अनहाइजीन खाते हैं। और मैं जब ये सारी चीजें करूंगा इसके साथ स्वच्छता अभियान भी हो जाएगा। तो आपने देखा कि चिंटू जी सारे गोलगप्पे और मोमोज की रेडियां हटवाना चाहते हैं। सो ये बनेंगे रब की आवाज़ के नहीं, ये है आपके हाथ में। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट। मैम मैं तो आपको बहुत उम्मीद लेके आया था। मैम आप मेरे बॉडी देखिए, आप ये देखिए बाइसेप देखिए, मेरा बाइसेप देखिए। मैम आप पीछे देखिए, मैं बैठिए। आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। चिंटू जी बैठिए, फटाफट रजिस्टर करो क्योंकि जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे उसी को हम बनाएंगे रब आवाज। एंड दिस शो वाज ब्रॉट टू यू बाय मेगानाथ रियल एस्टेट डेवलपर्स। आइए अपने सपनों का घर सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ की आसान सी डाउन पेमेंट पर। आप सुन रहे हैं हमें 88.8 जुनून एफएम पर। शो का नाम प्यार का वार। बस मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना मत भूलना मेरे यार। मैं हूँ ट्राई सिटी का नंबर वन बैचलर करण। तो मिलते हैं आज शाम को 9 बजे क्योंकि आज है कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन। तब तक एंजॉय करो थोड़ा इस उबलती गर्मी से सुकून और दिल में जला के रखो जुनून। पाजी रेडियो में प्रोग्राम तो सुनते होगे आप? वेली बातें सुनने का टाइम नहीं होता यार। ये भी आपने बात ठीक कही जी। अपने आरजे करण को ही ले लो, क्या सही आवाज है मुंडे दी। ते उत्तो सारे दी प्रॉब्लम हल करन दा ना वखरा ही टंग है उस कोल। क्या क्या गल्ला करदा सी। पर सच दसा पाजी हुण शो शो नहीं रह गया, एडा ही रह गया। फलाना प्लाट ले लो, फ्लैट ले लो, 2 BHK 3 BHK, मजा नहीं रहा हूं। ब्याह तो पहला ना सवेरे 7 बजे गड्डी ऑन करी दी सी ते शाम दे 7 बजे तक आरजे करण ही सुनदा सी। मैं चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली पता नहीं सी चलदा कदों टाइम बीतिया। ते ब्याह तो बाद कदी कदी टाइम पास कर लीदा पुरानियां यादा ताजी करन लई। पर ओ गल नहीं रही पाजी। कितने साल हो गए आपकी शादी को? गैस करो। 3 साल। 5 साल हो गए। 5 साल 3 तो मेरे बच्चे ने जी। छोटे वाला थोड़ा ज्यादा शरारती है पाजी। मैं ना अगली ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ट्राई सिटी से। मौसम के हाहाकार ने लोगों की रोजी रोटी पर बड़ा असर डाला है। बता दें कि मूसलाधार बारिश के कारण लोगों की जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आया है। सूत्रों के मुताबिक लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। बारिश के साथ साथ लोग निमोनिया और जल रोग की चपेट में आ रहे हैं। रोगियों को अस्पताल में भी ले जाया जा रहा है। और जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं हमारी संवाददाता से जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहाँ क्यों है और आपकी समस्या क्या है? हम शहर में अपने बच्चे के लिए आए लेकिन बारिश के चलते हमें कोई ठिकाना मिल नहीं रहा। बारिश और बीमारी से लड़ना पड़ रहा है। इधर फुटपाथ पे कीचड़ हो जाता है। सो आकांक्षा अगर आप रब की आवाज बन गए तो क्या कमाल करोगे? खुशी मेरे को ना हंसना पसंद है, लोगों को हंसाना पसंद है। आई वॉन्ट टू बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन। ओ वाओ, तो बताइए हम सबको अपने बारे में और क्या कमाल करोगी आप रब की आवाज बन के? मैंने ना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक एल्गोरिथम डिवाइस किया है। हाय गैरी, वेलकम टू द शो। हेलो मैम। सो आप बताओ अगर आपको कभी रब मिल गए तो आप क्या विशेष मांगोगे उनसे? मेरे पास एक ऐसा जीनी हो जो मेरी अनलिमिटेड विशेष मांगे। वेरी क्लेवर। थैंक यू सो मच गैरी। लो पाजी गल्ला पहुँच भी गए। अभी बारिश बंद हो गई थी फिर से शुरू। रब दे रंगा नु भी। ओ उतरी। ओ पाजी आप आजे करन।
पाजी तुसी भी इस सस्पेंस में के रखे। पाजी ऐसा करो, बाहर ना बारिश बहुत हो रही है, आप मेरा छाता लेके जाओ। नाले पाजी ओ ना 5 स्टार दे देना, 5 स्टार। हाँ हाँ जरूर। नहीं नहीं चॉकलेट नहीं, रेटिंग रेटिंग। हाँ हाँ जरूर। बेस्ट ड्राइवर आरजे करण, ओ भी हरविंदर सिंह शेंटी दी गड्डी च। करवाली नु दसांगा तो यकीन ही करेगी। ध्यान नाल लेना पाजी। रब दी आवाज हमारे रेडियो स्टेशन की इस साल की सबसे बड़ी एनुअल एक्टिविटी। हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे क्लाइंट दिन रात हमसे जुड़ने के लिए बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं। रब दी आवाज हमारी सबसे हैपनिंग एक्टिविटी। एब्सोल्युटली राइट मुकेश, इस शहर में इस साल इससे बड़ी हैपनिंग एक्टिविटी एक भी नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। आज रात तक कोई भी घर नहीं जाएगा, नो गुफअप्स, नो ब्रेक, वरना सबकी छुट्टी। इज दैट क्लियर? यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। तुम्हें भी? यस सर। परफेक्ट सर। रिव्यू मीटिंग का टाइम हो गया। यस। ये करण कहाँ है? वेयर इज करण? आज इतना इंपॉर्टेंट डे है हमारी इस मीटिंग का और करण यहाँ पर नहीं है। वेयर इज करण खुशी? सर आई डोंट नो। करण छुट्टी पर है क्या? आप कहें तो कर दें। हाँ कर दो। हेलो, हो गई तेरी नींदें पूरी? थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। हैं? ये कोई मीटिंग में आने का टाइम है? हाँ आई एम टॉकिंग टू यू। हो गई तेरी नींदें पूरी? हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि इस शहर में हर कोई आरजे बनना चाहता है, लेकिन जो हमारा सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट होगा वही हमारे इस रेडियो स्टेशन का एक दिन का रब दी आवाज बनेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। थैंक यू। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो भी कंटेस्टेंट हम फाइनल करें वो हमारे इस जग्गी की तरह सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग होना चाहिए। सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग होना चाहिए। यस, और ये रोज के जो शेरो शायरी करने वाले और ज्ञान बांटने वाले कंटेस्टेंट हैं, मुझे इनकी आवाज भी नहीं सुननी। हमारा बिजनेस सिर्फ एंटरटेनमेंट का है, हमें सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस बॉस। वाओ सर, व्हाट अ स्पीच, कमाल ही कर दिया आपने। ये एक्टिविटी अगर चल पड़ी तो हमें इस शहर का नंबर वन रेडियो स्टेशन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यस। सोचो हम अपने बिजनेस को कितना बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। चाहे तो अपनी एड्स के रेट डबल कर सकते हैं। पेंडेमिक के कारण तुम सबके अप्रेजल्स रुक गए थे, डू यू रिमेम्बर? डू यू रिमेम्बर खुशी? पूछो मत सर, बेड़ा ही गर्क हो गया था। जग्गी? सर बिल्कुल सही कह रहे हो जी, तुसी बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया जी। जे तेनु अपनी सैलरी च ग्रोथ चाहिए है ना? हाँ जी। ते अपने लाइक्स ऑनलाइन ते ऑन एयर हाइप करके दिखा। डन सर। तुम्हारे जितने लाइक्स व्यूज बढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। वेरी गुड। हमारे क्लाइंट्स को सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या चाहिए जग्गी? नंबर। वेरी गुड। और इसके बाद हमारे स्टेशन को नंबर वन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। गॉट इट? यस बॉस। अब बताओ खुशी, तुम्हारे पार्टिसिपेंट्स का क्या हुआ? सर आज सुबह मॉर्निंग शो के सारे कंटेस्टेंट्स को बुला के ऑन एयर कर दिया है, अब बस सोशल मीडिया पे वोट्स की वेट है। दैट्स गुड माय सुपरस्टार। थैंक यू सर। थैंक यू। एंड कितने विनर्स? 10 लोग हमने सिलेक्ट किए थे और सबके सब ऑन एयर कर दिए गए हैं। दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। और हीरो? ओ हीरो जग्गी, तेरे कितने पार्टिसिपेंट्स? शाम के लिए 9 कंटेस्टेंट बिल्कुल तैयार है जी। अच्छा, सिर्फ उनसे टाइम लेना है। दैट्स गुड। वो सब मैं हैंडल कर दूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। शो से पहले सारे के सारे इसी तरह। क्या बात है जी, प्रोड्यूसर हो तो ऐसे। ओह मैडम जी, कोई बात नहीं, हाई फाई मिस हुई है ना, शाम को कंटेस्टेंट मिस नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। और भाई साहब आप, आपके कंटेस्टेंट कहाँ हैं? सर वो अभी किसी ने कॉल नहीं किया है। What? Are you joking? God damn it! आज एक्टिविटी का लास्ट डे है करण, बाकी सब लोगों ने 20 कंटेस्टेंट को यहाँ पर बुला लिया है।
और तेरे पास एक भी कंटेस्टेंट नहीं है। सर वो रात को कोई कॉल नहीं करता। कीप योर माउथ शट, कीप योर माउथ शट। मुझे रिजल्ट चाहिए, बहाने नहीं। यार अपने अपने टाइम बैठ के हिसाब से हर कोई नंबर वन है, और तू पिछले 5 साल में किसी भी सर्वे में नंबर वन नहीं आया। अपने सोशल मीडिया की हालत देखी है तूने? ना कोई व्यूज, ना कोई मैसेजेस, ना कोई एंगेजमेंट्स। क्या बकवास, नॉनसेंस एंड बेकार सोशल मीडिया है तेरा। खुशी को देख, शहर के टॉप ऑफिशियल्स इसके शो पर आने के लिए रोज कॉल करते हैं। जग्गी को देख, हर रोज किसी न किसी सुपरस्टार के साथ अपनी डांस वीडियोस बनाता है और वो रातों रात ट्रेंडिंग हो जाती है। और तू क्या बनाता है भाई, है? खाली सड़कों की बकवास वीडियोस, सड़क के किनारे सोते हुए लोग, भूखी और बेबस शक्लें। तू सोशल एक्टिविस्ट है या आरजे? तुझे हो क्या गया है करण? 5 साल पहले तू इस शहर का सुपरस्टार था, तुझे याद है? तुझसे मिलने के लिए लोगों की लाइन लगी होती थी, लेकिन ये समाज सेवा का उड़ता तीर पकड़कर तूने लोगों को बोर करके रखा है यार। करण, मुझे आज रात किसी भी कीमत पर सारे कंटेस्टेंट की लिस्ट चाहिए, नहीं तो याद रखना अप्रेजल की जगह इसका टर्मिनेशन लेटर छाप देना। छाप दूं? यू अंडरस्टैंड करण? यू अंडरस्टैंड करण? इसका टर्मिनेशन लेटर छाप दे, लेटर छाप दे, लेटर छाप दे। यू अंडरस्टैंड करण? इसका टर्मिनेशन लेटर छाप दे, लेटर। यू अंडरस्टैंड करण? इसका टर्मिनेशन लेटर छाप दे, लेटर। छाप दो, छाप दो, छाप दो। हां, तुझे अंदर आने के लिए किसने बोला? तुझे दिख नहीं रहा कि मीटिंग चल रही है? अंदर है? सॉरी सर, मैं इट्स ओके राजू, ट्रे टेबल पे रख दे, गलती हो जाती है। तुझे बीच में बोलने के लिए किसने बोला था? तुझे बहुत तरस आ रहा है इस पे? तो साथ ही लग ले, आरजे क्यों बनावट है? और आवाज अच्छी होने से ना कोई आरजे नहीं होता। इतना ही तरस आ रहा है ना, तो भाई मुझ पे तरस खा ले, मेरे इस रेडियो स्टेशन पे तरस खा ले। मैं आरजे इसलिए नहीं बना था कि चुप बैठा रहूं, इसलिए बना था कि शायद इस प्लेटफॉर्म से लोगों की मदद कर सकूं, कुछ भला कर सकूं। आवाज होने का फायदा क्या है अगर सही बात के लिए उठाई नहीं तो? है बस आंखों पे काला चश्मा लगा के माइक के आगे बैठ के छड़ी पकड़ के कुछ भी बकवास करी जाओ, बाहर जो मर्जी होता रहे, ऐसा शो सुनेगा भी कौन? अब तू मुझे सिखाएगा कि रेडियो कैसे चलाना है? नहीं नहीं, वो तो आपको अच्छे से आता ही है, इसीलिए तो पैंडेमिक में जब हम सब के अप्रेजल कट रहे थे, आप क्लाइंट से साइड पे डील करके नोट छाप रहे थे। क्या बकवास बात कर रहा है तू? फालतू की बात कर रहा है तू, मैं तुझे बता रहा हूं। खैर वो छोड़ो, खुशी तेरे को पता है हमारे नेटवर्क के न्यूज चैनल हेड ने इनको मेल की थी कि वो तेरे को एक प्राइम टाइम टीवी न्यूज एंकर बनाना चाहते हैं, और इन्होंने ये लिख के मना कर दिया कि तू ऑलरेडी क्लाइंट्स के साथ डील्स में बिजी है। जग्गी तेरे को पता है ओटीटी हेड ने इनको मेल की थी ये पूछने के लिए कि क्या वो तेरे को अपनी नई वेब सीरीज का लीड एक्टर बना सकते हैं या नहीं, और इन्होंने उसको ये बोल के मना कर दिया था कि तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो। अरे फालतू का झूठ मत बोल, कोई सबूत है तेरे पास? ये क्या नाफ ना बोले जा रहा है? ये लो देख लो। What is this? ये सब चल रहा है? ओए, इन्हें मेरा हीरो बनती है। अरे इसे कैसे पता चल रहा है? ये तुझे किसने दिया? बस ये समझ लो एक भूत ने लाके दिए। हमारे हिस्से का इतना माल खा गया? शक तो मुझे भी था कि कोई गड़बड़ घोटाला जरूर है। और एचआर को भी मेल कर दिए ताकि उन्हें भी तो पता चले स्टेशन का सच है क्या। तू एचआर को बताएगा? तेरी इतनी औकात की तू एचआर को बताएगा? बता दिया, अब जाके अपनी टर्मिनेशन लेटर छाप ले। तू आंखें दिखाएगा मुझे? आंखें दिखाएगा मुझे? तमाशा क्या देख रहे हो यार? क्या कर रहा है? कनिका गया, कनिका सिक्योरिटी को बुला। ए फुटबॉल नो किक दे, फुटबॉल सीधा गोल की सर। साके कनिका, अरे सिक्योरिटी को बुला। ए प्यार मुकेश, मुकेश क्या है बटू? एक रिस्पांस फॉर वंस मोर एक बार और छापेगा, अब छाप ले। Come on, everybody!
वीरे, ओ असली सुपरस्टार ता तू है। आ देख, मैं तेरी लाइव वीडियो पाई सी, ओ एने व्यू ते एने शेयर ता मैं आज तक नहीं देखे। और बोल, छाप दू। मुकेश ये तो हमें छाप गया। वीर स्टार बन दा, साले चोर की ते दे। ओ मैडम जी। वाव करण, मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी फाइट भी कर लेते हो। मुझे लगता था तुम रात को सिर्फ माइक पे टाइम पास करते हो, पर आज तुमने हम सबका करियर इसके हाथों डूबने से बचा लिया। थैंक यू। इट्स ओके, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप दोनों भी देख लेना। आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस कैन डू अ लॉट बेटर आल्सो। थैंक यू सो मच। करण, 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 मुझे तुम्हें कुछ कहना था, तुम सुन रहे हो? सुनो, डिजिटल और ग्राफिक्स वाली टीम को अपडेट करो। हाँ हाँ सर, मैं उनको अभी इन्फॉर्म कर देती हूँ। कुछ आइडियाज आए हैं मेरे दिमाग में, आई वांट टू टॉक टू देम। आई विल इन्फॉर्म देम राइट अवे सर। सर वो प्रोमोस, उनका क्या करना है? रब दी आवाज के प्रोमोस रेडी हैं। हाँ, बस रात वाले कंटेस्टेंट्स बाइट लेनी बाकी है, बाकी सब डन है। ठीक है, एक काम करो, प्रोमोस को ऑन एयर कर दो और करण के प्रोमोस की जगह इनके प्रोमोस को चला दो। ठीक है, वैसे भी इसका शो सुन ही कौन रहा है और इस जैसे लूजर के सुनेगा भी कौन? लूजर। अबे क्या, बारिश रुकेगी फिर छलांग मारेगा क्या? छलांग मत मारना यार, फालतू में साफ सफाई वालों का काम बढ़ा देगा। और अगर मारनी है तो अपना म्यूजिक सिस्टम मुझे दे देना भाई, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। क्या हो गया यार, इतना दुखी क्यों हुआ पड़ा? बस एक मीटिंग ही तो थी, काम में सब चलता रहता है। यही तो प्रॉब्लम है, पिछले 5 साल से काम के नाम पे क्या क्या करी जा रहा हूं। साला पहले इतना मजा आता था शो पे, अपने दिल की बात करता था और वही शो पे सबको सुनाता था, इसीलिए लोगों को शो पसंद भी आता था। मार्केट मॉल कहीं भी जाता था लोग इतना प्यार करते थे, और अब एक मेरा प्रोड्यूसर ही है जो बिना नोटिस के छुट्टी लेके गायब है। म्यूजिक पे काम कैसा चल रहा है यार? गिटार उठाने का ना मन भी नहीं करता। अब कुछ बना भी दिया ना तो कंपनी वाले अपने वकील लेकर आ जाएंगे कि ये भी हमारे नाम है, हमारी प्रॉपर्टी है तेरी तरह। साला कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे कुत्ते का कॉलर पे लाके रखती है, बस बैठ के भौंक ही जाओ। साला सब ठीक ठाक चल रहा था, फिर बीच में इन्हीं के ऑर्डर आने शुरू हो गए कि अब इस क्लाइंट की प्रमोशन कर दो, उस क्लाइंट के लिए वीडियो बना दो, क्लाइंट ये बोल रहा है ऐसे नहीं तो हर जगह शो में क्लाइंट का नाम लो। साला ये सब करना है तो शो में एडमिट फर्क क्या रह गया? तो ये तो धंधा है ना भाई, धंधा तो सबको करना है, क्लाइंट को तो कुछ रखना पड़ेगा ना। यार मैं सुनने वालों के लिए शो करूं या मैं क्लाइंट के लिए करूं? लाइक्स, रेटिंग्स और व्यूज क्या क्लाइंट ने देनी है? पहले इतना अच्छा ओरिजिनल काम करते थे, अब ओरिजिनलिटी तो गई तेल लेने। ठीक है ना, बैठ के दूसरों के आइडियाज कॉपी करी जाओ, क्लाइंट जिस चीज की परमिशन दे वो बोलो, और कुछ अकल वाली बात तो गलती से भी मत करो क्योंकि ऑडियंस को समझ नहीं आएगा। बेवकूफ थोड़ी बैठे हैं बाहर, सबको पता है सिर्फ धंधा हो रहा है इसीलिए कोई शो पे कॉल नहीं करता। पिछले पूरे एक हफ्ते से मैं रोज रब दी आवाज के लिए मैं कंटेस्टेंट्स को बुला रहा हूं और एक भी बंदे ने कॉल नहीं किया आज तक। सुन, तेरे लिए एक लिसनर का कॉल आया था, मैंने तेरे को मैसेज ड्रॉप कर दिया, जल्दी से जाकर उसको पहले नहीं बता सकता था? हेलो। हेलो करण, कैसे हो? बहुत बढ़िया, कौन बोल रहे हैं? मैं शिव बोल रहा हूँ, मैं आपका शो सुनता हूँ, सोचा आज कॉल कर लूँ। थैंक यू सो मच शिव, बताओ आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने ये पूछना था कि
कि जो रब दी आवाज कॉन्टेस्ट है वो भी चल रहा है या खत्म हो गया है? आपने रजिस्टर करना है? हाँ, रजिस्टर करना तो था, पर ये पूछना था कि उसमें करना क्या पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, आप बस हमारे स्टूडियो आना, आप और मैं बैठ के बात करेंगे और उस बात को हम ऑन एयर और ऑनलाइन लाइव चलाएंगे, और अगर उस लाइव सेशन में सबसे ज्यादा लाइक्स और व्यूज और शेयर्स आए तो फिर आप बनोगे हमारे शहर में रब दी आवाज। अरे वाह, तो मतलब मामला इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलो हम कल मिल सकते हैं। कल तक बहुत देर हो जाएगी शिव भाई, आप आज नहीं आ सकते? अरे आज लास्ट डे है, तो कोई नहीं, हम आज ही मिल लेते हैं। ठीक है, कितने बजे तक आओगे? बस मैं ऑफिस में हूँ, यहाँ से फ्री होके कैब बुक करूंगा और सीधा आपके पास। बढ़िया, तो आपको हमारे स्टेशन का एड्रेस मालूम है? अरे फिकर नॉट यार, लोकेशन डालेंगे फोन में और सीधा आपके पास आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, तो मिलते हैं आधे घंटे में, बाय। ओए करण, ओ तन्नू की हो गया? ओए गल नची जांदा, ओए मिल गया, ओ नची जांदा। लाइव जाना तां बणदा है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਰਜੇ ਜੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ 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 ਸਾਡਾ ਨਾਈਟ ਆਰਜੇ ਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਲਿੰਗ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੋ ਫਟਾਫਟ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਆਰਜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ 88.8 ਜਨੂਨ FM, ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇੰਜੋਏ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਆਓ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ, ਲਾਈਫ ਕਿਆ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਬਨਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੜੇ ਬੰਗਲੇ, ਲੰਬੀ ਗਾੜੀ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਬਸ। ਰੱਬ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ, रब के सारी जिंदगी कट रहे, उसी का नाम लेते लेते जिंदगी से चले जाना। ते चिद्दा की तुसी जान दे यो कि जेड़ी वीडियोस नु मिलनगे सब तो ज्यादा लाइक, सब तो ज्यादा व्यूज ते सब तो ज्यादा शेयर, वही बनेगा रब दी आवाज। सो प्लीज मेरे वीर, मेरे भरा, मेरे यार ते मेनु चौण वाले जेड़े भी इस वेले सुन रहे ने 88.8 जुनून FM, शादी दे बारे तोड़ा की ख्याल है? किसी मल्टीमिलियनर इंसान के साथ शादी हो जाए, बस लाइफ तो सेट है, और क्या? लाइफ क्या है? वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल इंसान बनना। नॉलेज क्या है? जिसके सहारे दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना जा सके। खुशी क्या है? दुनिया का हर ऐशो आराम मेरे पास हो। और आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हमारे रेडियो 88.8 जुनून FM की मॉर्निंग आरजे है खुशी। सक्सेस क्या है? सारी दुनिया आपके कदमों में। Only on 88.8 जुनून, दिल में जगा के रखो जुनून, तो बता के रखो अपना खून, सारी दुनिया आपके कदमों में। जब आरजे जगी हो लाइव और व्यूज शेयर्स और कमेंट्स की लगी हो लाइन, वो है असली सक्सेस। हां जी, तुसी सुन रहे हो तुहाडा अपना चैनल 88.8 जुनून FM, तुहाडा जगी है तुहाडे नाल, ते छेती आओ अपना नंबर पाओ, क्योंकि साडे शहर विच हजे भी असी लभ रहे हां रब दी आवाज। जेकर एक पूरे दिन लई तुसी शहर दे सब तो कैम रेडियो स्टेशन दे उत्ते स्टार आरजे बनना चाहुंदे हो, सारे शहर नू अपना टैलेंट विखाना चाहुंदे हो, तां छेती फोन ते रीलां 2 मिंट बंद करो ते मैनू ऑनलाइन मैसेज करो, अज लास्ट डे है। सर ऑनेस्टली एक बात बोलूं, क्लाइंट हमारे बजट पे एग्री नहीं कर रहा है, एंड आरजे की परफॉर्मेंस अब हमारे कोटेशंस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अरे यार, आप एक बार ये प्रेजेंटेशन देख लीजिए। लाओ दिखाओ। सर मैं आई कम इन, गेट आउट। सर मैं मुकेश। हाँ मुकेश, मुकेश आ यार। सर सभी स्टेशंस पर ट्रैकिंग हो गई है, आपको मेल भेजती है। ठीक है यार, मैं घर जाके चेक करता हूँ। क्या हो गया सर, बड़े परेशान लग रहे हो? मुकेश तुझे पता ना कि हमारा क्या हाल है यार? हाँ सर, औरों का तो पता नहीं पर हमारा बहुत बुरा हाल है। एग्रीड सर। हमारी सारी एक्टिविटी पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी हमें एक भी ढंग का कंटेस्टेंट नहीं मिला। सब बेकार सर। जानता है ना, ना हमारे पास मॉर्निंग के शो में कोई लाइक्स एंड शेयर्स हैं, ना इवनिंग के शोज।
अब मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट करता हूँ भाई, जो मिले हैं ना इन्हीं में से फाइनल कर लो। कोई ना सर, अपना करण है ना। आहा, अपना करण। भाई एक बात बता, क्या आदमी है यार तू है? तुझे पता है ना कि करण के शो पे कोई कॉल तक नहीं करता। करण के शो पर छोड़, उसके सोशल मीडिया पर भी कोई फॉलोअर्स नहीं है भाई। और तू कह रहा कि करण है? कितने साल से उसे चांस दे रहा हूं, और कई सालों से तो यार मुझे मैनेजमेंट से उसके लिए गालियां खानी पड़ रही हैं। हर बार तुम भी जानती हो कि हर बार मुझे अपने मैनेजमेंट से उसके लिए फाइट करनी पड़ती। बिल्कुल सर। और एक वो आदमी है कि सुधरता नहीं, और ऊपर से ये सचिन, इस करण का प्रोड्यूसर, ऐसे टाइम पर छुट्टी लेकर गया है कि एक बात बताऊं, अगर यही हाल रहा ना तो उसकी नौकरी तो यार जाएगी ही जाएगी। हम सब भी अपनी नई नौकरी की चिंता करते हैं। तो सर, टर्मिनेशन लेटर छपवा दूं क्या? बड़ा कमीना आदमी है यार तू। वो तो मैं हूं। हैं? एक काम कर रहा हूं भाई, मैं तो चला अपने घर, और नौकरी छोड़ने की खुशी में जाकर मैं भी पार्टी करता हूं। तू भी जाके पार्टी कर। समझ नहीं आ रही यार। अब तो भगवान ही हमें बचा सकता है। टेडी स्टेशन ना अंदर से तो बहुत मस्त है। हाँ चलो देखते हैं, पहले करण तो मिले। अजी रुकिए रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकते अंदर। भाई मुझे आरजे करण से मिलना है, उन्होंने मुझे कॉन्टेस्ट के लिए बुलाया है। ठीक है, अभी बुलाता हूँ मैं करण जी को। सनी भाई कौन आया है? ओए तेरा कंटेस्टेंट आ गया बाहर, नौकरी बचा ली है तेरी। ढंका है, तू मिला उससे? वो मुझे नहीं पता, मुझे तो गार्ड भैया ने बोला तुझे बताने के लिए। चला जल्दी। लो आ गए। मैं राजन। राजन तो हेलो करण भाई, मैं हूँ शिव। हाय। अरे वैसे तो तुम्हारी आवाज में बड़ा दम रहता है, पर आज क्या हुआ, टायर पंचर हो गया क्या? नहीं वो शो शुरू करना है ना, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था। चलिए मैं आपको स्टूडियो ले चलता हूँ, आप बैठिए। हाँ सॉरी। तेरे शो का टाइम आने वाला है, क्या बना रब दी आवाज का? और जनाब मेरा नाम शिव है, और आज मुझे ही करण ने कॉन्टेस्ट के लिए बुलाया है। अब कमाल है यार, वैसे तुम बोलते रहते हो दिसंबर हो या जून, दिल में जला के रखो जुनून, दिल में जला के रखो जुनून, यार हाथ तुम सबके ठंडे पड़े हैं यार। अब मैं आपको स्टूडियो में लेके चलता हूँ। गई भैंस पानी। अरे मैंने कुछ सुना यार। चलो पूरी ट्राई सिटी सुनेगी अब आपको। हमारे शहर में रब दी आवाज की खोज अभी भी चल रही है। अगर आप एक पूरे दिन के लिए शहर के सबसे पॉपुलर रेडियो स्टेशन जुनून FM के स्टार आरजे बनना चाहते हो, पूरे शहर को अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो, तो ऑनलाइन मैसेज करके अबे लग जाओ, लग जाओ। अरे करण भाई। हाँ ठीक तो है ना? हाँ कुछ नहीं, वो बस फोन लगा रहा हूँ लाइव जाने के लिए। अरे कमाल है यार, रेडियो पर पहली बार मैं बोल रहा हूँ, और नर्वस आप लग रहे हो। होना पड़ता कभी कभी नर्वस भाई, वरना नर्वस के साथ साथ जॉबलेस भी हो जाऊंगा। अरे घबरा मत मेरे भाई, सब ठीक होगा। रेडी हो? हाँ भाई बिल्कुल रेडी। चलो नौ बज गए हैं रात के, और ट्राई सिटी का नंबर वन बैचलर करण है आपके साथ में।
गुड इवनिंग है सबको, आप सुन रहे हो 88.8 जुनून FM पे प्यार का वार, ब्रॉट टू यू बाय मेगानाथ रियल एस्टेट डेवलपर्स। और आपको जैसा मैंने कल बताया था, हमारे शहर में चल रही है खोज रब दी आवाज की। और अगर आप अभी लाइव हमको सुन रहे हो या फिर मेरे सोशल मीडिया पेज पे हमको देख रहे हो, तो मेरे स्टूडियो में बैठे हैं हमारे इस कॉन्टेस्ट के फाइनल कंटेस्टेंट शिव, अरे घबराओ मत करण भाई, रुको मैं अपने इंट्रोडक्शन सबको खुद ही दे देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और करण आज इसलिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ और इन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि मुझे ऑफेंड किए बिना ये मेरी इंट्रोडक्शन कैसे दें, है ना करण? अरे यही सोच रहे हो ना कि आप मुझे क्या बोलोगे, विजुअली इम्पेयर्ड बोलोगे, ब्लाइंड बोलोगे या कुछ और? क्या बोलूं? तो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि मैं एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन हूँ और चैलेंजेस वो तो होते ही ओवरकम करने के लिए हैं। वाओ, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग शिव। तो अब हमको बताओ आप क्या काम करते हो? करण, बाय प्रोफेशन करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मैं एक लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट भी हूँ, यूथ के लिए मैं एक काउंसलर हूँ और वैसे मैं एक डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हूँ। मतलब यहाँ पे मेरे से एक नौकरी ठीक से हो नहीं रही है और आपने इतनी सारी संभाली हुई है, और आपका कॉन्फिडेंस सुन के तो लगता है कि अब आरजे की नौकरी करने की भी आपकी पूरी तैयारी है। नहीं नहीं करण भाई, ऐसा कुछ नहीं। पर मेरे को एक बात बताओ, ऐसे नेत्रहीन होने के बावजूद आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो? अरे भाई, किसने कहा मैं नेत्रहीन हूँ? नेत्र तो मेरे पास है, बस ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, बस उनमें दृष्टि नहीं है। तो मैं नेत्रहीन नहीं, मैं दृष्टिहीन हूँ। और इसके भी बड़े फायदे हैं। फायदे? वो कैसे? जब मेरे घर पर लाइट चली जाती थी ना, तो मेरे माता पिता मुझे बोलते थे, शिव जब फलानी चीज ढूंढ कर ले आ, हमें मिल नहीं रही। और मैं फटाक से जाता था और वो चीज ढूंढ के ला देता था, क्योंकि आपदा को अवसर में बदलने के लिए सबसे पहले खुद की सोच बदलना बहुत जरूरी है। मतलब बात नजर की नहीं, नजरिए की है। बिल्कुल। और जो लोग सुन रहे हैं ना, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। दुनिया में ना दो टाइप के अंधे होते हैं। दो टाइप के? हाँ, एक तो वो जिनकी आंखों की रोशनी नहीं होती। हाँ। और दूसरे वो जिनके दिमाग की बत्ती परमानेंटली गुल रहती है। हाँ, अरे जब मैं किसी दफ्तर में जाता हूँ, हाँ, तो लोग मुझे मांगने वाला समझने लग जाते हैं यार। ले। अच्छा आप एक बात बताओ। हाँ। जब वो मेरी पर्सनैलिटी और मेरी ड्रेसिंग सेंस समझ के मुझे मांगने वाला समझ लेते हैं, अरे तो उनसे बड़ा अंधा और कौन हो सकता है? भाई ये तो मतलब 100% कमाल की बात कर दी आपने, ये तो मतलब माइंड ब्लास्टिंग था। बट शिव, आपसे एक सीरियस सवाल पूछूं? हाँ पूछना मेरे भाई। अब क्या ऐसी डिसेबिलिटी के साथ और काम करने मुश्किल नहीं हो जाते? करण, ये मेरी डिसेबिलिटी नहीं, मेरी स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी? हाँ स्पेशलिटी है। अच्छा आपसे मैं एक बात पूछता हूँ। हाँ। आप कभी सरकारी दफ्तर में तो गए होंगे? हाँ। और वहाँ लंबी लंबी लाइनों में भी लगे होंगे? हाँ भाई, पूरा दिन निकल जाता है यार वहाँ तो। अच्छा, और मुझे देखो, मैं जाता हूँ। हाँ। बिना लाइन के सारे काम करवा के आ जाता हूँ। वाह। और अब तो मेरे दोस्त भी कई बार मुझे कहते हैं कि भाई फलाने दफ्तर में ना मेरे फलाने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, भाई करवा देना यार, तुझे तो लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। अरे ये तो शुक्र है करण भाई कि ऑनलाइन वाला सिस्टम शुरू हो गया, कम से कम मेरे सिर से ये बला तो टली। भाई ये बात तो है, पर अच्छा है ना, आजकल वैसे ही बड़ा छोटा हर कोई अपने मोबाइल फोन में घुसा रहता है, आपके पास एटलीस्ट इस मुसीबत से तो बचाव है। करण भाई, आप कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन यूज करते हो? मैं एक्चुअली, मेरा थोड़ा पुराना फोन है, मतलब इसको 1.5 साल हो गया यूज करते। पर क्यों? ये देखो, ये तो ये आज लॉन्च हुआ, ये आपके पास कैसे आ गया? क्या हुआ, हैरान हो गया क्या? अगर आगे से कोई भी फोन लेना हो ना, तो मुझसे मिल लेना भाई, तेरी पूरी हेल्प करेंगे।
अरे ब्लाइंड हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर बार किसी ना किसी की मदद लेकर ही कहीं जाऊंगा। अरे टेक्नोलॉजी का जमाना है मेरे दोस्त। ये तो माननी पड़ेगी बात। बस ये जानकर थोड़ा दुख होता है कि यार आंखें होने के बावजूद भी ना लोग कई चीजों को अनदेखा कर देते हैं। कौन सी चीजें? अरे बहुत सी चीजें हैं करण भाई। वो जो कल आपने सोशल मीडिया पर वीडियो डाली थी, उसे बहुत कम लोगों ने देखा है क्योंकि उसके लाइक्स और शेयर्स बहुत ही कम हैं। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उस वीडियो को देखो जरूर। और उस वीडियो में जो करण ने सवाल पूछा है, उसका जो जवाब है ना, वो हमारे शहर को और भी खूबसूरत बना सकता है। हेलो। हेलो। हाँ देखा, मुद्दा इतना सीरियस और इतना इंपॉर्टेंट है। आई एग्री विद यू एब्सोल्युटली। देखो मेरे विचार से तो हम सबको इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए और करेंगे भी। समथिंग मस्ट बी डन अबाउट दिस। मैंने अभी अभी तेरे को एक बड़ी जबरदस्त वीडियो भेजी है, अपने कमेंट्स भेजना मेरे को। एक तो ये आरजे और जो गेस्ट हैं इस वीडियो में आप देखोगे, इनका पता करके मेरे पास इनको चाय पे बुलाया। और एक ये जो स्टेशन डायरेक्टर ने ये काम किया है, उनको एक अप्रिसिएशन लेटर भेजते हैं। और खूबसूरती से याद आया कि दृष्टिहीन होने का एक और फायदा भी है। क्या? अरे लव प्रॉब्लम्स भी जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। ओहो भाई 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 भाई, लव प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात करना बिल्कुल बनता ही है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, क्या आप बैचलर हो? भाई ये सवाल मत पूछो यार प्लीज। क्यों? अरे बहुत सी लड़कियों के दिल टूट जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? अरे मजाक कर रहा था मेरे भाई, मैं एक हैप्पीली मैरिड हूँ। और चिंता ना करो, तुम्हारा नंबर वन बैचलर होने का खिताब कहीं नहीं जाने वाला। शुक्र है भाई, शुक्र है। चलो अब शिव भाई, अपनी लव स्टोरी के बारे में भी हमें बताओ। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 5 साल हो गए। और 3 न्याणे भी हो गए? अरे नहीं 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 भाई। ओ एक्चुअली करण, मेरी लव स्टोरी ना बहुत कमाल की थी। कॉलेज टाइम में ना मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। और अब वो आपकी मिसेज है? अरे नहीं भाई, पूरी बात तो सुनो यार। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, प्लीज बताओ। करण, कॉलेज में जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, उसने मुझे कहा कि मैं तुझे लाइक तो बहुत करती हूं पर तुझसे शादी नहीं कर सकती। उसका मानना था कि अगर हम जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते तो मैं उसके सपनों को पूरा ना कर पाता। मैं तो उसकी आंखों से दुनिया देखना चाहता था पर शायद उसे ही यह सब गवारा ना था। मैंने तो उसे बहुत समझाया पर शायद मेरा प्यार और मेरा विश्वास उसके लिए काफी नहीं था। शायद उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स था जो मुझे वो कह नहीं पाई। जिंदगी में मुझे मेरी डिसेबिलिटी का एहसास तो बहुत बार हुआ पर वो जो एक इमोशनल एक्सेप्टेंस थी ना, जो मुझे नहीं मिल पाई, करण उसका एहसास मुझे ताउम्र रहेगा। यार दिल टूट गया था मेरा। क्या याद दिला दिया तुमने आज। ये रिजेक्शन मेरी नहीं थी, मेरी डिसेबिलिटी की थी। करण, डिसेबिलिटी को एक कर्स यानी अभिशाप की तरह माना जाता है। लोग सोचते हैं कि
कि हमने या हमारे माँ बाप ने पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए हम ऐसे हैं। पर हम भी ढीठ हैं, हंसते रहते हैं और मस्त रहते हैं। तो पहले किस्म के आप हो, वो दूसरे किस्म की अंधी थी। ये बात। और अच्छा ही है ना करण भाई। हाँ। अगर मैं आज उस मनहूस के साथ फंसा होता ना, तो आज मैं अपनी बीवी के साथ कैसे मिल पाता। और एक बात बताऊं। हाँ। मेरी वाइफ भी ना विजुअली चैलेंज्ड है। अच्छा। और उससे पहली बार बात करते ही मुझे प्यार हो गया था। पहली बातचीत में ही? हाँ, और क्या भाई। अरे तुम सबको प्यार ढूंढने में दिक्कत आती होगी, पर हमें नहीं आती, पता है क्यों? क्यों? हम सूरत पे नहीं, सीरत पे मरा करते हैं। भाई भाई भाई, पैर दिखाओ अपने जरा, मैं भी छू लूं, मैं भी जरा आशीर्वाद ले लूं आपका। यार ये तो मेरे को भी चाहिए। और क्या। अरे आजकल सब लोग अच्छी जॉब, ब्रांडेड घड़ी, बैंक बैलेंस, पैसा, इन सब चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। सबको ना गुड लुकिंग पार्टनर चाहिए। पर इन सब चक्करों में ना लोग एक चीज भूल जाते हैं। क्या? वो कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड। भाई मतलब मैं इतने सालों से इस शो पे लोगों को ये बताता था कि यार तुम्हारे पार्टनर में तुम्हें ये क्वालिटीज दिखनी चाहिए, जो अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें ये सब चीजें नजर आती है। पर देखा जाए तो प्यार का आंखों से कुछ खास लेना देना है नहीं। लगता है करण भाई तुम्हारे दिमाग की बत्ती भी अब फाइनली जल ही गई है। थैंक यू सो मच शिव भाई, आप ही की बदौलत है। और यही रोशनी मैं सब की आंखों में लाना चाहता हूँ। सर आपने ये वीडियो देखी? कमाल की वीडियो है, इतने रिएक्शंस आए हैं इसको देखकर। ये तो आई ओपनर है यार, ये तो दिस इज अ वंडरफुल वीडियो, दिस इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग इंटरव्यू यार। हाँ मैं ब्लाइंड हूँ, ये एक मेडिकल कंडीशन है, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो पता नहीं कितने इश्यूज को फेस कर रहे होंगे। किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज है, और किसी को कोई और प्रॉब्लम है। बस मुझे ब्लाइंडनेस है, इतना ही तो फर्क है। और कई बार सेहत से तंदुरुस्त दिखने वाले आदमी भी डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब करण तुम खुद को ही ले लो प्लीज भाई, मेरी बात का बुरा ना मानना। अब जैसे पहले तुम्हारा शो कितना एनर्जेटिक हुआ करता था, और आरजे का काम भी कोई आसान थोड़ी ना है यार। दूसरों को हंसाने और एंटरटेन करने के चक्कर में कई बार अपने दिल के दर्द भी दबाने पड़ जाते हैं। जब पहले रात के 9 बजा करते थे ना, तो लोग अपना अपना रेडियो सेट ऑन करके बैठ जाते थे कि आज करण किसकी लव प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। अब मुझे ऐसा लगता है कि करण को खुद की लाइफ ही एक प्रॉब्लम लग रही है। क्यों, ऐसा है कि नहीं? अब पहले तुम्हारी आवाज में कितनी एनर्जी हुआ करती थी, वो समय के साथ साथ काम के बोझ के कारण कहीं दब सी गई है ना करण? करण क्या चल रहा है लाइफ में प्रोफेशन वाइज? क्या फर्क पड़ता है? बहुत अपसेट हो अपने आप से या लाइफ से? यू हैव सच ए गुड स्पार्क इन योर वॉइस, वी कांट लूज इट। क्या फर्क पड़ता है? अर्जुन आपके बारे में बता रहा था, कितनी पुरानी फ्रेंडशिप है आपकी? काफी अच्छी बॉन्डिंग है। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि अपने मन की सारी बात कर लेते हो। अच्छा मम्मी पापा दोनों में से आप किसके ज्यादा क्लोज हो, किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो? किसी के साथ नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता,
कोई गर्लफ्रेंड, कोई फ्रीक्वेंट कॉलर हो? करण, स्विमिंग करनी है तो पूल में उतरना ही पड़ेगा। थोड़ा सा एफर्ट आप करो, थोड़ा सा मैं करती हूँ। कई बार हमें लगता है कि हम इस भीड़ में अकेले हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल इज फेसिंग कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। करण, इट्स ओके, लेट इट आउट। आखिरी बार कब रोए थे करण? आखिरी बार कब हंसे थे? अरे करण भाई, जो खुद ही नहीं हंस सकता वो दूसरों को क्या हंसा पाएगा? और आपको एक बात बताऊं, जब हम अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं ना, तो एक समय ऐसा आता है कि हम कुछ भी फील नहीं कर पाते, और उस समय हम जिंदगी को जीते नहीं हैं, जिंदगी को काटने लगते हैं। और जिंदगी एक मशीन की तरह चलने लग जाती है। जितने भी लोग मुझे देख या सुन रहे हैं, मैं उन सब को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप आवाज लगाते हैं ना, तो आपकी आवाज सुनने वाला कोई ना कोई तो जरूर है। राइट। पर कुछ लोग हैं जो सुनते ही नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की ही सुनते हैं, वो अपने मन की नहीं सुनते। अब स्पेशल स्कूल्स और स्पेशल होम्स को ही ले लो, उनको कुछ लोग सलाह दे देते हैं कि आप वहां जाइए और खाना खिलाइए तो आपके पाप कट जाएंगे, और वो लोग भी पढ़े लिखे होने के बावजूद वहां पर खाना खिलाने चले जाते हैं। अरे भाई, किसी के लिए कुछ करना है तो उनकी एजुकेशन में हेल्प करो, ताकि वो आदर्श नागरिक बनकर देश और समाज के सामने आए और देश की प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे। राइट। हम आपके महंगे कपड़े, ब्रांडेड घड़ी, बैंक बैलेंस या महंगा मकान देखकर आपके साथ दोस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ आपकी आवाज के कायल हैं। अरे वाह, क्या बात है। हमें आपकी सिंपैथी की नहीं, एम्पैथी की जरूरत है। शाबाश शिव। और हमें भी अपना दोस्त बना कर तो देखो, जैसे मुझे करण ने बनाया, है ना करण? हाँ हाँ बिल्कुल। और भाई, अगर 5 मिनट तक करण और नाना वाला, तो इसकी आरजे की नौकरी मैंने पक्का ले लेनी। ओ, 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 कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। इधर मैं लोगों की लव प्रॉब्लम सॉल्व करता था, आपने तो मेरी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर दी यार। बट अब नौकरी बचाने का टाइम आ गया है, तो सुनने वालों, ये थे हमारे रब दी आवाज कॉन्टेस्ट के फाइनल कंटेस्टेंट शिव। लेकिन शिव भाई, अभी रैपिड फायर राउंड भी झेलना पड़ेगा आपको। और कितनी गोलियां चलवानी है अभी? सवाल एक शब्द का होगा और आपका जवाब एक लाइन का। सिर्फ एक लाइन का? हाँ, मेरे को पता लग गया आप कितना बोलते हो। धंधा बंद करवाओगे आप? रेडी हो? बिल्कुल रेडी, मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया हूँ। हेलो मोहित। हेलो। हेलो मोहित। यस सर, आई कैन हियर यू। गुड मॉर्निंग, आई मीन गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू, कैसे हैं? गुड इवनिंग। सुनते रहो ना, स्टेशन पे क्या चल रहा है? क्या नाम है ये आरजे का जो इधर यंग चैप? करण है ना सर? करण बच्चा है सर अपना। हाँ ठीक है, राइट करण ना? यस सर। ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू सर। आई विल बी कमिंग टू द ऑफिस टुमारो एंड गेस व्हाट, आई विल बी ब्रिंगिंग मोर इन्वेस्टर्स। जस्ट ब्लो दिस ट्रम्पेट ऑन द इंटरनेट। श्योर सर, आई विल डू दैट। ठीक है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग प्रिपेयर द अप्रेजल शीट। श्योर सर, आई विल गेट बैक टू यू इन द मॉर्निंग। ओके मोहित, थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम। गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू सर, बाय। क्या बात है करण, मजा आ गया मेरे सुपरस्टार। खुशी जो दूसरों की हंसी में झलकती है। सैटिस्फैक्शन या संतोष जब उस हंसी और खुशी की वजह आप हो। दुख
सब कुछ पाने की चाहत में जो हमारे पास है हम उसे भी नजरअंदाज कर दें। सक्सेस हमारे किए हुए काम या हमारी कही हुई बात से अगर किसी की भी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सके। नॉलेज पढ़ाई से, संगति से या अनुभव से, आप जो कुछ भी सीखते हैं उसे आप समाज में और अपने व्यवहार में इम्प्लीमेंट करें। सुंदरता आपके लिए या मेरे लिए? जवाब दे ओए। दोनों के लिए सुंदरता तन की नहीं मन की जरूरी है, क्योंकि जो आपके मन, वचन और कर्म से झलकती है। उत्तरी इतने फोन पे फोन। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं डीसी बोल रहा हूँ। जी सर, बताइए सर। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम ब्लाइंड लोगों की प्रॉब्लम्स अपने रेडियो पर लेकर आओगे। गुड जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। ठीक है ना, काम करो, तुम भी आओ और आरजे को भी लेकर आओ और अपने गेस्ट को भी लेकर आओ। श्योर सर, आई विल बी देयर विद यू। चाय पीते हैं साथ में, ठीक है? जीवन मेरे दोस्त के फादर का नाम है। जवाब दो ना। अच्छा सॉरी, जीवन जो बेसहारा लोगों के काम आ सके। तो फिर बेसहारा लोग कौन है? अरे जो खुद का सहारा नहीं बन सकता वो दूसरे का सहारा क्या बनेगा। वाओ, वाओ। शिव भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना प्यार हम सबके साथ शेयर करा। एंड बाकियों का तो मेरे को पता नहीं, मेरे लिए तो रब दी आवाज आप ही हो। अरे क्या कर रहे हो तुम सब? प्रोग्राम में हेड को लेकर आओ। व्हाट इज हैपनिंग? कंपटीशन स्वीप कर गया है। ब्लडी ब्रिलियंट, फुल मार्क्स टू दीस गाइस। और अगर आप सब जो हमको रेडियो पे सुन रहे हो या फिर ऑनलाइन देख रहे हो, अगर आप भी चाहते हो कि शिव हमारे शहर में रब दी आवाज बनकर फिर से छा जाए, तो मेरे सोशल मीडिया पेज पे जाओ और हमारी इस इंटरेक्शन की जो वीडियो है उसे लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड उसके नीचे अपने दिल से जरूर कमेंट भी करो। देखो करण भाई, मैं तुम्हारी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अरे अब देखना थोड़ी देर में कितने लाइक आएंगे। ये देखो मैंने कर दी शेयर। अरे अब देखना भाई, क्या कमाल है यार। अभी लेते एक छोटी सी ब्रेक, वापस आऊंगा और गानों के साथ। सुन, आप दिल में जला के रखो जुनून। ओ वाओ मेरे सुपरस्टार, आशुता जप्पी बनदी है। मजा आ गया सुपरस्टार। थैंक यू सो मच अर्जुन, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। मैं बस शो निपटा के आता हूं, ठीक है? ठीक है, ओके। पे ये था गाना गोल, जिसे लिखा और कंपोज किया है विस्फोटक नाम के आर्टिस्ट ने। और जिस तरह से आप सबके प्यार से मेरे सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोज के विस्फोट हो रहे हैं, लगता है हमारे रब दी आवाज कॉन्टेस्ट का विनर आपने डिसाइड कर ही लिया है। यार बारिश का भी कुछ नहीं पता लगता। अरे बारिश तो वैसे जिसकी हो रही है। यार ठीक बोल दिया था मैंने। अरे यार फट्टे चक दिए तूने। एंड यस, वो है शिव। शाबाश करण, मजा आ गया यार। आपने आज सबको बता दिया कि रब दी आवाज ऊपर से नहीं, हम सभी के अंदर से आती है। बस इसको अगर हम सब सुनना सीख जाएं, तो जिंदगी में और कितनी खूबसूरत चीजें देखने और महसूस करने को मिल जाएं। मेरा खुद का मतलब आज तक ये मानना है कि रब हम सबको सही रास्ता दिखाएगा, पर आज मेरे जीवन का सही रास्ता मुझे दिखाया मेरे दोस्त शिव ने। सच बोलूं तो मुझे पिछले कई सालों से ना यही लगता था कि मैं इस बंद कमरे में बैठ के बोली तो जा रहा हूं, पर मेरी आवाज कोई सुन नहीं रहा है। पर अभी स्टूडियो में ना फोन को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, किसकी कॉल उठाओ यही नहीं समझ आ रहा यार। सो थैंक यू शिव भाई, मेरे मन में वो रोशनी फिर से वापस लाने के लिए। थैंक यू
करण वीरे तू ता छा गया वीरे छा गया ओ तू ता पासा ही पलटता मेरी गल सुन तेरा शो ना सुपर डुपर हिट है सुपर डुपर हिट और आप भी अगर सुन रहे हो तो यार मुझे कॉल करके बताओ कि आपके प्यार के बारे में सबसे खूबसूरत चीज क्या शाबाश जियो मेरे मुन्ना क्योंकि करण सुनना चाहता है आपकी आवाज एंड ऑफ कोर्स तब तक लेते हैं कुछ और सॉन्ग्स का सुकून आप दिल में जला के रखो पाजी जगा दो दिल में जुनून आपकी आवाज ने ना आज मुझे फिर से फैन बना दिया पाजी छा गया थैंक यू सो मच पाजी ये सामान पकड़ाओ दीदी इसकी कोई जरूरत नहीं है यार अरे पाजी आप जैसे स्टार के लिए ना जान हाजिरा जान अरे यार बैग तो छोटी सी चीज है पाजी पाजी आपने ना अपने फोन से आज से सारी कैब वाली आपने डिलीट कर देनी है और सिर्फ एक नंबर सेव करना है वो भी मेरा हरविंदर सिंह शैंटी कैब वाला done it, done it, done. पाजी देखो आपसे हमने पैसे तो लेने नहीं सेल्फी तो ले सकते हो ना हाँ बिल्कुल अब पाजी घर वाली ना यकीन नहीं करेगी अब फोटो देखेगी फिर यकीन करेगी घर वाली ने चलाना है पाजी ऐसा बंदा ना आप ही शो पे ला सकते थे भाई म्यूजिक सिस्टम मैंने अभी भी लेना है तेरा और बड़ी वाली पार्टी भी बनती है वैसे जो आज हुआ ना तेरा जो कंटेस्टेंट शिव आया वो एक फरिश्ते की तरह आया भाई सो बिलीव इन योरसेल्फ पूरे ऑफिस ग्रुप में और सोशल मीडिया पे तेरी बल्ले बल्ले हो गई है मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस करण द एंटायर सेल्स टीम इज वेरी प्राउड ऑफ यू तुमने प्रूव कर दिया दिल में जला के रखो जुनून सुपरस्टार कमाल कर दी ना तूने देखा मुझे पता था कि तू कर लेगा इसलिए तो मैं तुझे इतने चांस दे रहा था अरे क्लाइंट्स के तो थैंक यू मैसेजेस ही नहीं रुक रहे हैं यार बोल रहा है कि अपने अगले 6 महीने के सारे कैंपेन तेरे मतलब हमारे स्टेशन के साथ ही करने हैं इसलिए कल अपने आप को फ्री रखना मेरे सुपरस्टार अरे करण भाई शिव बोल रहा हूँ क्या बात है बॉस आज तो छा रखे हो पूरे सोशल मीडिया पे और यार इसी तरह सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी वीडियोस डालते रहा करो और हाँ कभी भी आपको अकेलापन लगे तो बस एक आवाज लगा देना मैं हाजिर हो जाऊंगा हेलो शुक्र है पुत्र और तेरा फोन तो आया ठीक है कैसे हो मैं अब ठीक हूँ तू सुना तू कैसा है खाना वाना ठीक से खा लेता है कि नहीं ये हाँ, अभी भी खाना बाहर से ही मंगवाता है नहीं अभी वो थोड़ा काम अच्छा सुन तेरा काम कैसा चल रहा है और हाँ कभी माँ को फोन भी कर लिया कर चाहे लेट ही सही नलायक ओए मुझे भी कभी फोन लगा लिया कर सुन लिया तूने रेडियो पर बोलता रहता है यहाँ तेरी माँ के कान दर से जाते हैं तेरी आवाज सुनने को अच्छा ये बता तूने आने की क्या सोची बस तू आ मुझे पता है तू मेरे सारे व्हाट्सएप मैसेज इग्नोर करता है पर देख इस बार नहीं चलेगा तेरी शादी की बात नहीं करते ठीक है